नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सिंह होम फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी गट्टे की सब्जी, जो कि राजस्थान में काफी फेमस है। अगर आप भी हरी सब्जियां और दालें खाकर बोर हो गए हो तो आप इस गट्टे की सब्जी को जरूर ट्राई करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसन कितना गुणकारी और इससे बनी हुई सभी रेसिपी कितनी स्वादिष्ट होती है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1/4 कप दही, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ऑयल, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। आइए मिक्सर तैयार कर लेते हैं। नमक, अजवाइन, इसे हम क्रश करके डालेंगे, इससे इसका अच्छा फ्लेवर आए। बेकिंग सोडा, दही, इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो बना लेते हैं। आटा ना ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आटा टाइट होगा तो हमारे गट्टे टाइट बन जाएंगे। आटा हमारा गुज चुका है, इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर आटे को अच्छे से मसल लेते हैं, क्योंकि बेसन हमारे हाथों पर चिपकता है, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे चिकना कर रहे हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। लोई हमारी टूट चुकी है, अब इनको लंबाई में रोल कर लेते हैं। ना हमारे रोल ना ज्यादा मोटे हो ना ज्यादा पतले, मीडियम साइज में रहने चाहिए। इसी तरह हम सारे रोल्स बना लेते हैं। हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम अपने गट्टे चेक कर लेते हैं। गट्टे अच्छी तरह से उबल चुके हैं, गैस बंद कर देते हैं। इन सभी गट्टों को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बनाने में करेंगे। आइए अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं।
हमें चाहिए 2 मीडियम साइज प्याज, 8 से 10 लहसुन की कली, 1 अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 टमाटर, 2 हरी मिर्च। प्याज अदरक लहसुन का हम एक साथ पेस्ट बना लेते हैं। इसे हम मिक्सी जार में अच्छे से मिक्स करके तो अच्छे से पिसा है। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसी तरह अब हम अपने टमाटर हरी मिर्च को भी पीस लेते हैं। अब हम टमाटर प्यूरी को भी चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से पिस चुकी है। इसे भी हम बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल, कश्मीरी लाल मिर्च, जो हमने प्याज लहसुन की प्यूरी बनाई थी इसको ऐड कर देते हैं। इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक आप भून लेते हैं। प्याज में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। जब तक हमारा मसाला भुनना है, इसी बीच हम अपने गट्टों को काट लेते हैं। ये देखिए गट्टे बहुत अच्छे और सॉफ्ट बने हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कसूरी मेथी, एक चम्मच धनिया पाउडर, खटाई, थोड़ी सी लाल मिर्च। दही से हमारी सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। दही अच्छे से पक चुकी है, इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। जो हमारे गट्टों का बॉईल पानी था उसे हम इसमें डाल देते हैं। ग्रेवी हम अपनी पसंद की बनाएंगे, पतली या गाढ़ी, इसको थोड़ा पतला ही रखेंगे जिससे कि हमारे गट्टे भी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लें। ग्रेवी हमारी पक चुकी है, न ये ज्यादा पतली है न ज्यादा गाढ़ी। इसमें हम अपने गट्टे डाल देते हैं, देते हैं।
देते हैं जिससे हमारे गट्टे पानी को अच्छे से सोख सकें। हमारी गट्टे की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल तैयार है, बस एक चीज की कमी है, वो है तड़का। जल्दी से तड़का तैयार कर लेते हैं। इस तड़के को हम अपनी सब्जी में डाल देते हैं। हमारी राजस्थानी गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, चावल, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो।